आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट। और इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट इसमें यह होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक्ड रोड है, मतलब रोड ऐसे होना चाहिए जब सर्कुलर टर्न लेता है तो रोड को इस तरह से उठाया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट जो था उसमें अगर फ्रिक्शन लगा दिया जाए, और ओरिजिनली तो फ्रिक्शन होता ही है रोड पे, ऐसा थोड़ी है कि फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन तो होता ही है। इसके पहले हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए थे, लेकिन ओरिजिनल में तो फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन तो लेना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितना फोर्स आपका पहले बैंक्ड ऑफ रोड में जो लग रहा था, जरा देखिए एक बार फिर, कोई भी जो बॉडी है अगर मान लीजिए ये बैंक्ड रोड है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी चल रही है तो फोर्स कौन कौन सा लग रहा है जरा इसको देखें। पहले तो mg इधर लगा, mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, इसलिए कि देखिए सेंटर इसका यही है। हॉरिजेंटल रोड अगर होता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर जाता, तो यहाँ पर बैंक्ड रोड है तो इस स्थिति में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर ही जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बात समझे कि नहीं। तो अब इसका दो कंपोनेंट इधर कॉस जाएगा, थीटा के तरफ कॉस जाता है तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस, और इधर क्या होगा साइन जाएगा तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा, आई बात समझ में। तो इतना फोर्स तो पहले से भी लग रहा है बैंक रोड पर जो हमने बताया था इसके पहले। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो ये आपका पूछा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा जा सकता है और मिनिमम वेलोसिटी पूछा जा सकता है, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और क्या मिनिमम वेलोसिटी होगा, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम की जब बात करेंगे तो क्या होगा और मिनिमम की जब बात करेंगे तो क्या होगा, दोनों स्थिति में। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात। तो देखिए जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर गाड़ी जो है वो इधर जाने जाने की स्थिति में होगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गाड़ी इधर जाने जाने की स्थिति में होगा, इसलिए इसका दूसरा ये भी दिया गया है कि रेंज ऑफ वेलोसिटी, रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल फॉर नाइदर स्किड अप नॉर स्लिप डाउन, या तो वो स्किड ना करे, है ना, या तो ऊपर ही ना स्किड करे या नीचे स्लिप नहीं करे, है ना, दोनों स्थिति में। इसलिए अगर पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना होता है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, स्पीड नहीं तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड नहीं तो बहुत कम होना चाहिए, स्पीड कम होगा तो गाड़ी के नीचे फिसलने का डर रहता है, और अगर ज़्यादा हो गया तो चूँकि उधर फिर एक तरफ पहाड़ होता है दूसरे तरफ खाई होता है ना, रोड ऐसे होता है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में खास करके जो भी एरिया है, चाहे जैसे कश्मीरी एरिया है, दार्जिलिंग एरिया है, तो रोड एकदम इस तरह से होता है, तो वहाँ पर गाड़ी काफ़ी सावधानी से चलाना होता है ना, नहीं तो ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए नहीं तो कम वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम क्या वेलोसिटी होगा और मिनिमम क्या वेलोसिटी होगा, तो इसमें कंसेप्ट क्या होगा, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो फ्रिक्शन को इधर लगाएंगे नीचे, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गाड़ी ऊपर जाने जाने की स्थिति में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन इधर लगेगा, और जब नीचे आने आने की स्थिति में होगा तो फ्रिक्शन को पलट देना है, ऊपर लगा देना है। तो बस इसमें वेलोसिटी का जो रेंज होगा, एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी और दूसरे बार मिनिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम में फ्रिक्शन को इधर लाया और जब मिनिमम की बात करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन उधर चला जाएगा। तो इसमें चूंकि दोनों ही आंसर चाहिए हमको,
मैक्सिमम वेलोसिटी का भी चाहिए, मिनिमम का भी चाहिए। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया तो फिर मिनिमम भी निकल गया, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसी का देखिए ये डायग्राम दिया गया है। अब इसमें जैसे एम जी का हम लोग कंपोनेंट ले चुके, एम जी का कंपोनेंट इधर कॉस इधर साइन, तो जब एम जी का कंपोनेंट ले चुके तो समझने के लिए अब एम जी बचा क्या, एम जी अब नहीं बचा। कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, टुकड़ा। अगर हम इसका दो टुकड़ा ले लेते हैं तब क्या ये बचा रह गया क्या, नहीं ना। अगर हम इसका दो टुकड़ा ले लेते हैं तो क्या अब ये बचा रह गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से जब एम जी का हम दो टुकड़ा ले चुके तब एम जी रहा क्या, नहीं रहा, तब एम जी ख़त्म हो गया, इसलिए इसमें अब एम जी हम नहीं रखे हैं। फिर यहाँ देखिए, इधर जो लग रहा है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जो है ये सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ सेंटर है तो इसके बाहर ऐसे लगेगा, एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फिगर है ये। ये जो रोड आप देख रहे हैं वो यहीं पर है, ये उठा हुआ है सिर्फ, है ना, ये जगह यही है, जगह नहीं बदला है। इसलिए यहाँ समझिए आपकी किधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यहाँ रहे गाड़ी तो इधर लगेगा, उसी तरह से यहाँ पर इधर लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई बात समझ में। तो इसका भी दो कंपोनेंट, इधर कॉस और इधर साइन, साइन वाला कंपोनेंट इधर कॉस वाला कंपोनेंट। जब इसका दो कंपोनेंट ले लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम दो टुकड़ा ले लिए, तो अब क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचा रह गया क्या, तो यहाँ पर अब इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा दिए, तो इसमें खाली बस काम का फोर्स रहने दिए हैं समझने समझाने के लिए। तो आर इसको बैलेंस करेगा और इधर वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जहाँ का जहाँ भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन लेना होगा। फ्रिक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। फ्रिक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन देखिए कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें, देखिए नॉर्मल रिएक्शन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा और प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, ये नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। तो अब जैसे ही हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया तब यहाँ पर हम लोग जो है वेलोसिटी की बात करेंगे, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए करना हमें क्या होगा, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। बैलेंसिंग कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करना है, दोनों फोर्स बराबर करना है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन का तो ये वैल्यू आपके पास है ही। तब यहाँ देखिए अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं तो बस बराबर करना है एम बी स्क्वायर अपन आर कॉस थीटा बराबर एफ आर और प्लस एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, तो एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा, और एफ आर होता किसके बराबर, एफ आर इक्वल टू म्यू आर, एफ आर इक्वल टू म्यू आर, और आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मान हमको पता है, अभी निकाले हुए हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपन आर साइन थीटा। तो आर का मान एम जी कॉस थीटा और प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है। और ये तो एम जी साइन थीटा जो ये तो अपने जगह पर है ही। तो बस कहा जाए तो इसमें फिजिक्स जो है वो इतना ही है कि जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे और ये बैलेंसिंग कंडीशन की बात होगी, बैलेंसिंग कंडीशन की बात होगी, क्योंकि गाड़ी को बैलेंस भी तो होना है, गाड़ी को नहीं तो ऊपर जाना है नहीं तो नीचे आना है। या इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन बात एक ही है, आई बात समझ में। तो फिजिक्स इसमें इतना ही है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा बराबर एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा, और एफ आर के स्थान पर म्यू आर और आर के स्थान पर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। और ये एम जी साइन थीटा तो अपने जगह पर है, और मेरा टारगेट क्या है, वेलोसिटी को निकालना। क्या टारगेट है, वेलोसिटी को निकालना। तब यहाँ पर देखिए इसमें पहले तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा अ प्लस म्यू
एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, उसके बाद एम जी साइन थीटा, ये तो अपने जगह पर है, ठीक है। और ये जो आपका मिला दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पर कॉस थीटा। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात ये है, अब यहाँ देखिए भी इधर भी है, यहाँ भी इधर है, दो भी वाले को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, निकालना क्या है, वेलोसिटी ही तो चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो इसको इधर कर लो, यहाँ देखो, यहाँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, इसको भी इधर करिए, तो म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, और यहाँ एम जी, एम जी कॉमन आ रहा है, एम जी को कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो इधर साइन थीटा और प्लस क्या बचा यहाँ पर, म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी है ना, ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है ना, या अगर इसको पहले लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट नहीं भूलना है, क्या टारगेट है, वेलोसिटी का, बाकी जो कटे कटा लीजिए। वी स्क्वायर की बात करनी है तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर को उधर करिए, आर जी म्यू कॉस थीटा आ प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर तो उधर चला गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है सर्कुलर का, सबसे अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो भी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, इस पर रूट दे दीजिए, आर जी म्यू कॉस थीटा अ प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ जो वेलोसिटी हुआ, ये कैसा वेलोसिटी हुआ, मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ, ये कैसा वेलोसिटी हुआ, ये कैसा वेलोसिटी हुआ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों हुआ, अगर ये मन में हो कि आखिर मैक्सिमम हुआ क्यों, तो इसलिए हुआ कि हम लोग फ्रिक्शन को किधर लिए हैं, नीचे लिए थे, इसका मतलब गाड़ी जो है ऊपर जाने जाने की स्थिति में है ना, जाएगा नहीं, बचाना भी है तो ऊपर जाने जाने की स्थिति में होगा, तो वैसे स्थिति में फ्रिक्शन आपको नीचे आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हुई, अब इसके बाद मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। और अब देखिए, अगर हम मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो फर्क क्या होगा, बस ये जो डायग्राम था पहले, इसमें फ्रिक्शन पहले यहाँ लग रहा था और अब फ्रिक्शन क्या किए, पलट दिए हैं, फ्रिक्शन को इधर कर दिए हैं, और कोई चेंज नहीं है, फ्रिक्शन सिर्फ पलटा है। क्यों पलटा, रीजन यह है कि जब वेलोसिटी कम होगा, मिनिमम होगा, तो गाड़ी क्या होगा कि ये इधर आने आने की स्थिति में होगा, वो स्लिप डाउन हो सकता है, इसलिए इधर आने आने की जब स्थिति में होगा तो फ्रिक्शन क्या होता है, पलट जाता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, जो था बस वही है, फ्रिक्शन पलट गया। और इसका कॉन्सेप्ट अब यही है कि नॉर्मल रिएक्शन तो जो था वह वही है, कोई चेंज नहीं है, अब बैलेंसिंग कंडीशन में, इसलिए कि गाड़ी को बचाना भी है ना, गाड़ी को बचाना भी, अपने बचना भी है, इसलिए बैलेंस तो होना ही चाहिए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो होना ही चाहिए, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिजिक्स इसमें यही है, इन द बैलेंसिंग कंडीशन या फॉर मिनिमम वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसमें मिनिमम होगा, क्यों होगा, समझ गए आप, ठीक है। तो दोनों फोर्स को क्या करना है, बराबर कर देना, तो एफ आर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। और ये आपको पता है कि एफ आर किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। चलिए अब बोलते चलिए आप लोग, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, यही ना, बराबर क्या, एम जी साइन थीटा। बोलते चलिए जोर जोर से, म्यू इंटू आर, आर का मान कितना,
हाँ कॉस थीटा और प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, यही ना। तो ये आर के स्थान पर लिखे म्यू इंटू आर का वैल्यू ये है एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, यही ना जी। आर के स्थान पर अभी लिखे हैं, उसके बाद फिर प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पर चलिए इसको बस सॉल्व करना है। टारगेट क्या है, क्या निकालना है हमको? टारगेट नहीं भूलना है, टारगेट वेलोसिटी का है। क्या निकालना है? वेलोसिटी का है। तो यहाँ पर देखिए इसको, पहले तो यहाँ पर इसको अंदर दे दीजिए म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। तो फिजिक्स इसमें इतना ही है, फिजिक्स इसमें इतना ही है, ठीक है। दोनों को बराबर करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए भी वाले को एक तरफ रखिए और बिना भी वाले को एक तरफ, बस ये इंटेंशन होना चाहिए। तो इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, और इसमें कॉमन क्या क्या है? भी वाले में जरा देखिए क्या क्या कॉमन है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन है। तो क्या हो जाएगा म्यू साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। अब बिना भी वाले को उधर भेजेंगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे एम जी कॉमन है, तो एम जी कॉमन करेंगे तो साइन थीटा, और जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो बाबू कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर देखिए बस किसका कहानी अब खत्म होने जा रहा है। तुम एम एम कट गया, टारगेट वेलोसिटी का है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर को उधर भेज देना है आर जी, उसके बाद साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, उसके बाद नीचे आर को उधर भेजा आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। ये वी स्क्वायर मिला और हमको चाहिए क्या? वी चाहिए। क्या करना होगा? बस रूट लगा देना है, बस इसका खेल ही खाता। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा, और इसके बाद म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यही इसका वेलोसिटी हुआ। अब ये बताओ कि ये वेलोसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ? ये वेलोसिटी कैसा निकला? ये वेलोसिटी कैसा निकला? मिनिमम हुआ ना, मिनिमम वेलोसिटी। क्यों हुआ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कि मिनिमम वेलोसिटी क्यों हुआ? इसलिए कि फ्रिक्शन को इसमें पलट दिए थे, है ना। तो कम से कम वेलोसिटी तो इतना होना ही चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ, मिनिमम वेलोसिटी हुआ, या इसको रेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेंज का मतलब हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम। और यही दूसरे तरह से पूछता है कि कंडीशन फॉर नाइदर स्किड अप नॉर स्लिप डाउन, नाइदर स्किड अप नॉर स्लिप डाउन, मतलब या तो ऊपर भी स्किड ना करे या नीचे स्लिप डाउन नहीं हो, ठीक है। तो ये इसके लिए, और वेलोसिटी का मेजर क्वेश्चन है। और हो सकता है कि जैसे भी ही अगर दिया हुआ हो आपसे, कोई दूसरा चीज भी पूछ सकता है ना, दूसरा चीज भी पूछ सकता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो आप कह सकते हैं कि ये सर्कुलर और फ्रिक्शन का कंबाइन कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। मैं आर के जे सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, और फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।